हेलो एन आई एस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। भाई, आपके लिए कुछ नई अपडेट्स आई हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं आपकी वेबसाइट पे एन आई एस की। तो चलिए चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। सबसे पहले हम टाइप करते हैं यहाँ पे www.nios, ठीक है। तो यहीं से हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, और यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। और अब आप देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल गया है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का, ठीक है। तो अब आपको मैं कुछ न्यू नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन ऊपर आपको दिख रहा है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये पहले का नोटिफिकेशन है, इसके डेट मैं आपको बताऊंगी और इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी बताऊंगी। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्लियर नोटिफिकेशन नंबर दिस सर्कुलर नंबर दिस एग्जामिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अक्रॉस इंडिया एंड ओवरसीज स्टैंड पोस्टपोन। जो आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे लॉकडाउन पीरियड के ड्यूरिंग, रिवाइज शेड्यूल शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो आपका रिवाइज शेड्यूल होगा ना, वो सेपरेटली आपका जो है डाला जाएगा वेबसाइट पर, वेबसाइट पर लिंक डाला जाएगा। और ये जो है लॉकडाउन पीरियड के जो है दौरान आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें सबसे मेन चीज़ आप इसमें देख लीजिए है, ये है डेटेड 30 मार्च 2020। तो 30 मार्च 2020 में ये डाला गया था, लेकिन ये जो है नोटिस हो चुका है पुराना। तो आप सब जानते हो कि जो लॉकडाउन पीरियड था वो इंक्रीज कर दिया गया था 21 डेज से, जो कि 14 अप्रैल को खुलने वाला है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई अब एग्ज़ाम्स कब होंगे, एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स होंगे 14 तारीख के बाद, ठीक है। और आपका जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट आपका वेबसाइट पर ही मिलेगा आपको। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपके माइंड में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हो रहे हैं और आपको ज़्यादा ही कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट आप देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी सेंटर में ही कॉन्टैक्ट करें, आप हेडक्वार्टर्स हैं इनके, हेडक्वार्टर्स में अगर आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है और आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रखे हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। और ये देखिए, ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है श्री आंजनी कुमार सेक्रेटरी, इनका टेलीफोन नंबर नोएडा का है, 0120 लगा हुआ है। ईमेल आईडी भी दे रखी है, डॉक्टर असमिंदर सिंह बहाल, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह डायरेक्टर हैं, विजय कुमार जी डायरेक्टर हैं, ये सारे जो है आपको चीफ वेलिगेंस ऑफिसर का भी नंबर दे रखा है। तो इसमें आप जो है एक्सटेंशन नंबर डाल के इनका मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर नहीं है, ये लैंडलाइन नंबर है, इस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारी देखिए यहाँ पे NIS स्टाफ कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे रखी है, जितनी भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप खुद कॉल करके, सबके पास मोबाइल नंबर है। इसमें जो है 9 AM to 5:30 PM के बीच में आप कभी भी कॉल कीजिए, आपका कॉल का रिस्पॉन्स दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जो है इसको हम यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लिए, कोई अगर आपके आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप जो है इन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कीजिए। अब हम कुछ नीचे नोटिफिकेशन पे हम नज़र मारते हैं, देखते हैं कुछ न्यू नोटिफिकेशंस आए हैं या नहीं आए हैं। यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट साइड में एक येल्लो कलर की लाइन चल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये देखिए धीरे धीरे ऊपर पर को जा रही है, इसको और देख लेते हैं हम। डेट शीट फॉर सेकेंडरी क्लास 10th सीनियर सेकेंडरी, ये जो है रिवाइज्ड लिखी हुई है, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो देखते हैं कि इसमें जो है लिखा हुआ है न्यू, ये क्या वाकई में नई है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भ्रमित हो रहे हैं कि हमारी जो नई डेट शीट है वो डाल दी गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इसमें देखिए, ये हम इनकी डेट्स पढ़ लेते हैं, इनकी डेट्स जो है डेट से हमें समझ में आ जाएगा। 24th March 2020 ट्यूजडे, नहीं मुझे नहीं लगता है कि इससे, जो ये संस्कृत का पेपर आपका पहले था, ये आपकी पहले की डेट शीट है। और ख़त्म कब हो रहे थे आपके एग्ज़ाम, ज़रा देखते हैं, 21 to 25th March 2020, ये प्रयोगी, ये तो प्रैक्टिकल की है, 24 अप्रैल को आपके जो है एग्जामिनेशन ख़त्म हो रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो कंडीशन है भाई, या तो आपके पेपर जो है ना, या तो आपके पेपर यानी 14 तारीख के बाद, ये देखिए, ये 9 अप्रैल को आपका फिजिक्स का था, 9 अप्रैल के बाद आपकी डेट शीट सेम टू सेम रहेगी, थर्सडे 11
अच्छा, 16 अप्रैल को आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, फिर 17 अप्रैल को आपका केमिस्ट्री का। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आपकी डेट शीट जो है ना ये ऐसी रहेगी 16 तारीख से सेम एज इट इज़, 16, 17, 18, 20, 21 को जो पेपर है वो होंगे, और जो पहले के पेपर है ना उनके लिए रिवाइज डेट शीट निकाल दी जाएगी, या तो ये कंडीशन है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि या तो फिर आपकी ना पूरी की पूरी डेट शीट चेंज हो जाएगी और शुरू से लेकर लास्ट तक आपके डेट्स अलग रहेंगी। तो ये दो कंडीशन है। ये इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये पहले की डेट शीट डाली हुई है और इसमें जो है आपको कोई भी अभी नया नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जैसे ही अभी इसमें जो आपका हॉल टिकट है, हॉल टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हॉल टिकट जो है ना आपका इस वेबसाइट पर डाला जाएगा। आपको से अगर कोई कहता है आपका हॉल टिकट आ गया है तो भैया अभी आपका हॉल टिकट नहीं आया है, आज सब कुछ कैंसिल हो चुका है, तो आपको जो है दोबारा से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाते ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। थैंक यू।